पर मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, मुझे इतने दोस्तों ने आउट ऑफ द ब्लू मुझे यूनिवर्सिटी के पुराने दोस्तों ने मैसेज करना शुरू किया। आई एम श्योर देख भी रहे होंगे कि हमें बहुत अजीब सा ख्वाब है। और इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला। ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से चीज़ें एंड होंगी, इस तरह से चीज़ें जो हैं एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगी। 4-5 दिनों से मैं बसेरा की वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो वीडियो शूट नहीं हो पा रही है। आपको कॉल कर रहा था कि मैं अभी भी यहीं पर हूँ, गाड़ी यहाँ पे बन रही है और बसेरा की शूट पर मैं नहीं गया हूँ और बहुत लेट हो गया, अब शायद मैं जाऊँ भी ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टाइटल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में। ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से चीज़ें एंड होंगी, इस तरह से चीज़ें जो हैं एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगी। रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजह है कि बसेरा अब ख़त्म हो रहा है। आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स मैंने पढ़े, मेरी टीम ने पढ़े, मेरे घर वालों ने पढ़े, मेरी वाइफ ने पढ़े, सब ने पढ़े। एंड बात वही है कि देखें, हम कोई चीज़ शूट करने जाते हैं, किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ हो सकती है। एंड कहा जाता है कि भाई पीछे भी लग के आ जाते हैं, तो शायद 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 कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। पिछले 4-5 दिनों से मैं बसेरा की वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो वीडियो शूट नहीं हो पा रही है। कभी हमारे मेमोरी कार्ड जुड़ जाते हैं, कभी हमारा लेंस ख़राब हो जाता है, कभी मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती है। अगर मैं आपको बताऊँ कल का वाकया, तो कल सब कुछ सही था, हम लोग बसेरा की शूट पर निकल रहे थे एंड मेरी गाड़ी ऑल ऑफ अ सडन ख़राब हो गई। और इतनी वेयर्ड चीज़ के मतलब गाड़ी की बैटरी उड़ गई। ठीक है जी, मामूली सी बात, बैटरी डाल दी, सब चीज़ें रेडी हुई, देन हम दोबारा शूट करने के लिए निकले तो गाड़ी चलते 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 हीटअप हो गई, उसमें धुएं निकलने लगे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें। मैं थोड़ी पर्सनल चीज़ है, मैं दिखाता नहीं, बट काफ़ी लोग बोलेंगे कि ड्रामा कर रहा है, फलाना ढिमकाना ये वो। तो मैं अपनी बेगम को मैंने वीडियो बना के भेजी थी कल, और ये यार मैं आपको कॉल कर रहा था कि मैं अभी भी यहीं पर हूँ, गाड़ी यहाँ पे बन रही है और बसेरा की शूट पर मैं नहीं गया हूँ और बहुत लेट हो गया, अब शायद मैं जाऊँ भी ना। बहरहाल गाड़ी में थोड़ा लंबा काम आ गया है, ये लोग अभी बना रहे हैं, तकरीबन 12:10 हैं अभी, 12:10 हैं अभी। रात का वक्त था, हमें जाना था लांडी शूट करने के लिए एंड मेरी गाड़ी बीच रोड पे ख़राब हो गई थी। और ऐसी एक चीज़ मैंने आपको दिखाई, ऐसे कई सारे वाकयात सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरी टीम के साथ भी हुए हैं। किसी के घर में कुछ मसला हो गया, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अचानक से शुरू हो गई, किसी के एग्ज़ाम्स में कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनयूजुअल चीज़ें होना शुरू हो गई जो कि बनता नहीं था होना। तो हम सब ने एक म्यूचुअली एक चीज़ डिसाइड की कि हमें बसेरा बंद कर देना चाहिए। सबका कहना था, मेरी टीम में फुरकान भाई होते हैं, मेरी टीम में इबाद होता है, मेरी टीम में हमज़ा होता है और मैं होता हूँ। हम ये सब इन लोग का कहना है कि बसेरा बंद कर देते हैं, मेरे घर वालों का कहना है बसेरा बंद कर देते हैं। एंड कमेंट्स में भी काफ़ी लोग कहते हैं कि अज़लान भाई आपकी बेटी है, आप उसका ख्याल कीजिए, ये चीज़ें घर भी आ जाती हैं, किसी चीज़ को तंग करना होता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बैड भी सिचुएशन हो सकती है। एंड येस, आई एम फेसिंग दीज थिंग्स। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं इमरान रज़ा, बहुत अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री पर, हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, एंड बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। उनका मुझे फ़ोन आता है एंड उन्होंने मुझे कहा कि अज़लान ध्यान रखो, क्योंकि जिस तरह से तुम चीज़ें कर रहे हो वो वाकई मुनासिब नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्तों को अजीब अजीब ख्वाब आ रहे हैं मुझसे रिलेटेड कि हमने तुम्हें आज इस तरीके से देखा, हमने तुम्हारे इस तरीके से देखा।
और मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, मुझे इतने दोस्तों ने आउट ऑफ द ब्लू मुझे यूनिवर्सिटी के पुराने दोस्तों ने मैसेज करना शुरू किया। आई एम श्योर देख भी रहे होंगे कि हमें बहुत अजीब सा ख्वाब है। और इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि हमने तुम्हें ख्वाब में देखा और बहुत परेशान देखा। खैर, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी टीम से शेयर की, अपने दोस्तों में शेयर की, अपनी फैमिली में शेयर की, और सब ने बोला कि बसेरा को एंड कर दो। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि बसेरा एंड नहीं होगा, बसेरा एंड नहीं होगा। यही बताने के लिए मैं आपको ये वीडियो आया हूँ कि देखें, थोड़ा सा डिले ज़रूर है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हमने ज़रूर फेस की है, थोड़ा सा परेशानी में हम हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि बसेरा रुक जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ, आई फॉलो मिनहाज अली अस्करी उस्तादों की तरह, सज्जाद सलीम उस्तादों की तरह, इनसे मैंने सीखा है। और बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं अगर थोड़ी सी भी चीज़ सीखता हूँ तो मेरे बिल्कुल उस्तादों की तरह होते हैं। मेरे पॉडकास्ट में जितने भी गेस्ट हैं, चाहे असद चौधरी सलमान साहब हो, चाहे ऑन हो, चाहे पारस मसरूर हो, चाहे कोई भी हो, सबसे कुछ ना कुछ मैंने हमेशा सीखा है, सब मेरे उस्तादों की जगह हैं। एंड यस, बसेरा नहीं रुकेगा। जब एक्सप्रेस चैनल पर वो क्या है, इतने सालों से चलता आ रहा है माशाल्लाह से, वो नहीं रुका तो ये कैसे रुक सकता है। जब और भी हम स्क्रीम स्क्वाड को देखें, बच्चा वीडियो बनाता है, फहाद को देखें, फहाद जो वीडियो बनाता है, दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क, बहुत ब्रेव बच्चे हैं। दे आर ऑल्सो डूइंग इट, दे आर ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, रुके नहीं है। प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको भी आ रही होंगी, शेयर नहीं कर रहे, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है। खैर, बताने का मकसद ये है, आज बसेरा का एपिसोड जाना था और बसेरा का एपिसोड नहीं जा सका है, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारूंगा, ऐसी की तैसी है। कोई पीछे लगता है लगे, कोई कुछ भी करता है करे, कोई जिसको जो समझना है समझ ले, बसेरा वापस आएगा। ये मैसेज मेरे तमाम फैमिली वालों के लिए, ये मैसेज तमाम मेरे दोस्तों के लिए, ये मैसेज तमाम मेरे कोलीग्स के लिए, बिकॉज ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद मैं एक फाइनल वीडियो बनाने वाला हूँ कि ठीक है जी गुड बाय एंड ऑल, बट नो, बसेरा आएगा कमिंग फ्राइडे। एंड यप, ये थी आज की वीडियो, ये था मैसेज मेरा। एंड थैंक यू सो मच बसेरा को पसंद करने के लिए, थैंक यू सो मच दर हकीकत को पसंद करने के लिए, थैंक यू सो मच हमारे टीम की जो हार्ड वर्क है उसको पसंद करने के लिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, एंड यस, बसेरा नहीं रुकेगा, बसेरा तो आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।